हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, यदि आपने कोई राशन कार्ड अप्लाई किया है और आपको यदि उसका स्टेटस जानना है कि वो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव्ड हुआ या फिर क्या दिक्कत है उसमें, तो आइए जानते हैं हम कैसे उसका पता लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे nfs.gov, delhi.gov.in, यदि आप दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर आ गया ये वेलकम टू फूड सिक्योरिटी साइट, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ई खाद्य सुरक्षा दिल्ली सरकार। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है ट्रैक फूड सिक्योरिटी एप्लीकेशन, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। और यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन यहाँ से, इस पर क्लिक करके। तो अभी तो हमें ट्रैक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद हमें इसमें एक चीज़ डाल देनी है, उससे हमारा स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि हम डालते हैं, जैसे कि हमारे पास ये आधार नंबर ऑलरेडी पहले ही डला हुआ है, या फिर हम डाल सकते हैं जो भी जिस भी जिसके भी आधार से हमने अप्लाई किया है। हमने आधार नंबर जैसे ही इसको डाला, उसके बाद हम इस पर सर्च क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोड हो रहा है अभी। यहाँ पर ये पूरी डिटेल बता देगा, देखिए ये जो राशन कार्ड है ये रिजेक्ट हो चुका है, उसका जो रीज़न है ये है प्रॉपर। और यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।